जो रेस्टोरेंट है इसका मैं आपको लोगो दिखाता हूँ कि कितना प्यारा सा एक लोगो है, वो ये है, एक ये है बेवफा चाय वाला है, ये मतलब ये मेरे सामने है पूरा हॉल। यहाँ पर आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। इसका एम्बियंस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज शिवा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आ चुका हूँ एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग में, जो कि मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट खुला है कल ही, और उसका नाम भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, जिसका नाम है बेवफा चाय वाला। बहुत यूनिक नेम है इसका, और ऐसा ही शायद ही आसपास के मुरादाबाद शहर में तो इस तरीके का रेस्ट इस नाम का रेस्टोरेंट भी नहीं है, और शायद आसपास के ज़िलों में भी नहीं होगा। तो इस रेस्टोरेंट को देखने वाले हैं, और कैसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं वीडियो क्लास में बताएँगे, और यहाँ पर क्या क्या मिलता है इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताएँगे, और यहाँ के ऑनर से भी जो हमारे भाई हैं उनसे भी बात करेंगे। बाकी अंदर चलेंगे तो देखते हैं पूरी तरीके से कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है। तो मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट के बाहर ही, और अभी हम अंदर चलेंगे। और रेस्टोरेंट का नाम बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप इनके पीछे पूछेंगे आखिर क्यों ये दिल तोड़ने वाला नाम इन्होंने भाई ने रखा है, क्या वजह है इसके पीछे रखने के नाम को। बाकी जो ऑनर है हमारे भाई, इनसे सब कुछ इस बारे में पता करेंगे, और चलते हैं अंदर। यह नाम लिखा हो बेवफा चाय वाला, और ये ग्राउंड फ्लोर पे ये इसका रेस्टोरेंट है। अंदर चलते हैं और यहाँ पे हमारे भाई से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या भाई के रेस्टोरेंट में है। तो यह है रेस्टोरेंट, इसका यह है एम्बियंस, यहाँ का कुछ इस तरीके का एम्बियंस। इस कैफ़े का ऑनर जो है इनका नाम हमाद है। तो भाई क्या कब से इस रेस्टोरेंट खुला है ये रेस्टोरेंट? अभी परसों ही ओपनिंग हुई है इसकी। अच्छा, तो इसका नाम बहुत यूनिक है, जो मैंने शायद आपके जिलों में भी देखा हुआ इसका। तो क्या मतलब क्या वजह थी इसका इस तरीके से नाम आपने रखा है? बस वैसे ही रख लिया, मतलब इसके पीछे कोई क्या किसी ने दिल तोड़ दिया था क्या? ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही रख लिया, अच्छा लगा था इसलिए रख लिया। अच्छा चलो, क्योंकि तो ऐसा होता है ना कि मैंने मोस्टली देखा है कि इस तरीके का नाम जैसे कोई किसी का दिल तोड़ जाता है तो इस तरीके तभी रखते हैं, क्योंकि वैसे रेस्टोरेंट के नाम बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं कभी, मतलब देख जैसे कि आप देखते हैं इस तरीके का अलग अलग नाम होते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो मैंने खुद की थीम है, ऐसे ही रख लिया, मैंने नाम अच्छा लगा था इसलिए रख लिया। चलो तो कोई बात नहीं, अभी वीडियो बने रहना, लास्ट के एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो आपकी शायद इस रेस्टोरेंट की एक ब्रांच और है, वो थी, वो हमने यहीं शिफ्ट कर लिया, पहले थी हमारी सिटी में, वो हमने यहीं शिफ्ट कर लिया। तो गाइस इनकी जो ब्रांच थी वो विकास मंजिल के फर्स्ट फ्लोर पे थी। जी जी। मैं अभी उस दिन एक बार गया था, तो शायद आप थे नहीं उस टाइम। तो इन्होंने रामगंगा बिहार में यहाँ पे एक नई ब्रांच ओपन की है कल ही परसों, और कुछ इस तरीके का इसका एम्बियंस है, आप देख सकते हो ये पूरा रेस्टोरेंट है, काफी भाई हमारी यहाँ पे रेस्टोरेंट की जो लुक है बहुत ज्यादा प्यारा सा है। बाकी भाई यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कुछ इसके मेन्यू के बारे में बताओ कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है, ऐसी मतलब क्या चीज है? मल्टी किचन कैफे है ये, तो पूरा हर चीज मिलती है। अच्छा, पिज्जा वगैरह? तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है चाय वाला, तो क्या चाय में मतलब क्या कोई स्पेशल है यहाँ पे? चाय हाँ स्पेशल ही है, चाय के नाम बहुत स्पेशल है। बताइए क्या क्या नाम है एक बार? बेवफा चाय है, डैमेज टी है, हार्ड ब्रोकन टी है। अच्छा, और फ्राइज वगैरह में क्या है? फ्रेंच फ्राइज वगैरह, पेरी पेरी फ्राइज वगैरह सब है। अच्छा, जो रेस्टोरेंट है इसकी ओपनिंग की टाइमिंग क्या क्या है? सुबह 11 बजे से शाम 11 बजे तक, रात 11 बजे तक। तो इस तरीके का ही कुछ है। तो गाइस इस तरीके से होता है लाइट आ चुकी है, तो पहले थोड़ा सा लाइट कम थी। तो अभी ये रेस्टोरेंट के अलावा इनको किटी पार्टी और जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या फिर आप बर्थडे सेलिब्रेशन का हॉल भी है अंदर की साइड में, तो हमारे भाई हमको दिखाएंगे कि कहाँ है वो। तो गाइस इधर के ही पास में है, देखो यहाँ पे आप चाहे तो पार्टी, ये मेरे सामने है पूरा हॉल जहाँ पर आप पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पूरा अपना बर्थडे सेलिब्रेशन, या फिर ऑफिस के लोग भी आते हैं, या फिर इसके अलावा जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अपने कपल्स, या फिर सभी लोग जो जैसे कि आप पता है कि आते हैं पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए, तो यहाँ पे पूरा हॉल ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, यहाँ पे पूरा खुला हुआ है।
और ये कुछ एम्बियंस में देखो, ये रूम वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर रियल, जब आप रियल में आओगे तो दिखने को मिलेगा। तो इधर लग रहा है मिरर, बाकी ये रेस्टोरेंट कनेक्ट है आपस में ही, बहुत ही बढ़िया है। तो अब ये कुछ इस तरीके से लाइट आ चुकी है, तो एम्बियंस आप देख सकते हो यहाँ पे। और इस जो रेस्टोरेंट है इसका मैं आपको लोगो दिखाता हूँ कि कितना प्यारा सा एक लोगो है। देखो ये है, एक ये है, ये है बेवफा चाय वाला, ये कलरफुल लगा रखा है, लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सा लगा है। तो कुछ इस तरीके का ही यहाँ पे है और मैंने आपको पूरी डिटेल दे ही दी है। आप पार्टी के लिए भी आ सकते हो या फिर रेस्टोरेंट हैंगअप के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। गाइस इसका एम्बियंस देखो कितना प्यारा सा है, यहाँ पे लाइटिंग लाइटिंग हो रही है, एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। आप जब आप यहाँ पे बैठने आओगे तो बहुत अच्छा सा फील होगा यहाँ पे आपको। तो गाइज अब मैं इसके लोकेशन के बारे में एक बार आपको सबको बता देता हूँ। यहाँ पे आने के लिए आपको, जब आप वेब की तरफ आते हैं यानी रामगंगा बिहार के तरफ आते हैं तो बीच में ही रेस्टोरेंट बनता है। बाकी हमारे भाई से मैं आपको एक बार एड्रेस पूछ लेता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। तो हमाद भाई इसका एक बार एड्रेस बता दीजिए कि आप अगर कोई आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है यहाँ पे। साईं मंदिर रोड पर है, दीनदयाल नगर है, इंडियन बैंक के नीचे। अच्छा, तो गाइज जैसे आप साईं मंदिर रोड पर आएंगे रामगंगा बिहार, जैसे बीएफ की तरफ जाते हैं तो दीनदयाल नगर तो लगता है, दीनदयाल नगर लगता है ना। हाँ, दीनदयाल नगर लगता है, लेकिन आप बीच में आएंगे तो इंडियन बैंक है, उसके एटीएम के पास में ही, जहाँ से किंगडम ऑफ मोमोज के जस्ट बराबर में ग्राउंड फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट खुला है। आप वहाँ पे आ सकते हैं, बाकी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको कैसे आप पहुँच सकते हैं। हमारे चैनल पे एक है सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल में मिलेगी किस तरीके का स्ट्रगल मैंने इस यहाँ तक इस सब्सक्राइबर तक आने में क्या है, और बाकी डिटेल्स मैं बताता रहूँगा और जल्दी से एक सब्सक्राइबर हो जाए। तो गाइस एक बार मैं आपको यहाँ की प्रॉपर लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जो रोड आ रही है, ये जो मेन हाईवे है साईं मंदिर वाली रोड है, इधर से मुरादो साईं मंदिर वाली रोड से जब इधर को जाएंगे तो साईं मंदिर और वेव आ जाता है, और उसके बीच में ही रास्ता है ये इधर की साइड में, ये है बेवफा चाय वाला। आप देख सकते हो ये पूरा कैंपस, एक बार इलाहाबाद बैंक है उसके जस्ट नीचे ये बेवफा चाय वाला है। मैंने आपको प्रॉपर लोकेशन दे दी है, आप यहाँ पर आप आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, आइए और इन्जॉय कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में लाता रहता हूँ। थैंक यू।